SP90 आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस VFinTrends के 20 एपिसोड में। तो भाई एक खास टॉपिक है आर्टिस्ट, मतलब भारतीय आर्टिस्टों की पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। VFinTrends में बार बार जो है ये कलाकृतियों के बारे में पूछता है, ये कलाकृति किसकी है, तो उसके बारे में ये खास तौर पर ये आप जरूर इसको जानने की जरूरत है आपको, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा खास जो है वो है रवि वर्मा। रवि वर्मा मतलब जो इनकी पेंटिंग है, जो काफ़ी रोचक पेंटिंगें हैं, वो है शकुंतला, लक्ष्मी, सरस्वती, भीष्म प्रतिज्ञा और गंगा अवतरण। ये पांच इनकी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा और भी हैं, मैं और भी आपको मैं टारगेट दे देता हूँ, एक बार इनको भी देख लीजिए। यस, और दोस्तों जितनी की चीज़ें हैं उसको नोट जरूर कीजिएगा आप। उसके बाद अगला है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो है चित्र, जो प्रसिद्ध चित्र है भारत माता, ठीक है, भारत माता, गणेश, जननी, अशोक की रानी, यात्रा का अंत। ये अवनींद्रनाथ टैगोर की ये पेंटिंगें हैं, भारत माता, गणेश, जननी, अशोक की रानी और यात्रा का अंत। उसके बाद है हमारा जो है रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारतीय सबसे प्रथम चित्रकार हैं। वैसे इनकी जो पेंटिंगें हैं थके हुए यात्री, माँ बच्चा, सफेद धागे, कुल के विवाह, ये लगभग 2,000 से 3,000 तक पेंटिंग उन्होंने बनाया अपने जीवन काल में। ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर कवि भी है, साहित्य लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं, संगीतकार भी हैं, और एक सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा प्रतिभा के रखने वाले धनी हैं। इन्होंने 60 साल के अवस्था के बाद इन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू किया था। अब उसके बाद करते हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर। ये है कि जो पेंटिंग है आत्मचित्र, बरसात में पूरी के मंदिर और प्राकृतिक दृश्य और चंपक के साथ फूल। उसके बाद है नंदलाल बसु के बारे में जानना चाहेंगे। इनकी पेंटिंगें हैं सुजाता, शिव का विष्पान, बुध और महेश, उसके बाद शीत के कमल और कुरुक्षेत्र मेघ, ये इनकी पेंटिंगें हैं। उनके बात करते हैं यामिनी राय का जो कलर मतलब जो भी पेंटिंग बनाते थे उनका जो टेक्निक होता था वो काफ़ी रोचक होता था। एक बार नेट पर जरूर सर्च कर लीजिएगा यामिनी राय की पेंटिंग को, जरूर देखिएगा। बड़ी ही सरल रेखाओं से इन्होंने इतनी अच्छी कलाकृति बनाते थे कि वाकई में। इसके बाद है यामिनी राय जो है राधा कृष्ण व बलराम, गणेश और पार्वती, तीन स्त्रियाँ, संथाल नृत्य, रामायण का दृश्य। उसके बाद है क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार। तो ये ऐसे हैं जो आपको बुक में ही मिलेंगे खासतौर पर, तो ये ऐसे हैं खासतौर बहुत ही आपको नेट भी सर्च करना पड़ेगा इसके बारे में, क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार। उसके बाद कीर्तन, मीराबाई, समर्पण, राधा कृष्ण और शकुंतला और सीता और लक्ष्मी। उसके बाद है मूर्तिकार के जो प्रसिद्ध जो माने जाते हैं मूर्तिकार है, खासतौर पर उनको देखा जाता है देवी प्रसाद राय चौधरी सबसे अच्छे मूर्तिकार हैं। इन्होंने श्रम की विजय जो है उनकी मूर्ति बड़ा ही आज बहुत लोग उनको जानते हैं। उनका जो सबसे पहला जो है श्रम की विजय, शहीद स्मारक और गवसक, और उसके बाद क्या है जब जाड़ा आता है। उसके बाद है नवम में मैं जानूंगा राम किंकर की जो खास पेंटिंगें हैं वो पेंटिंगें हैं सीत, आपको पता होना चाहिए सीत क्या लिखा है, कालीन, मैदान, रविंद्रनाथ टैगोर, काशीर, उसके घर की ओर, माँ बेटा और कृष्ण। उसके बाद है लास्ट जो स्त्री है वो कम उम्र में अपने अंदर की जो प्रतिभा को काफी अच्छे तरीके से मोटिवेट किया वो है अमिता शेरगिल।
उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, संघर्ष किया ही, और कब उन्होंने अपनी प्रतिभा का इतना ज्यादा काम किया, वाकई में उनको ऑल द बेस्ट जरूर कहना चाहिए और मुझे उनकी इतनी देनी चाहिए। इसके बाद है इनका जो खास दर्शन अमृता शेरगिल का जो है चित्र है भारतीय लड़कियां। इसके बाद है पर्वतीय महिलाएं, गणेश पूजा, पहाड़ी स्त्रियां, नील वासना और भीख मंगे। उसके बाद है पिता, उसकी ऊंट। उसके बाद दक्षिण भारतीय ग्रामीणवासी बाजार जाते हुए। ये जितनी भी मैंने बताया है इनके खास पेंटिंगें रही हैं। इसके अलावा और सारी पेंटिंगें हैं। यदि आप इन सारे आर्टिस्टों के बारे में, जैसे रवि वर्मा जी की बात करूं, अवनींद्रनाथ टैगोर की बात करूं, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गंगेंद्रनाथ और नंदलाल बसु, यामिनी राय, क्षितिज नाथ मजुमदार और देवी प्रसाद चौधरी और राम किंकर और अमिताभ शेरगिल, इन लोगों के बारे में एक बार आप नेट में सर्च करेंगे तो थोड़ा आप इनकी स्मृतियों को मजबूत कर पाएंगे। मजबूत करना बहुत जरूरी है क्योंकि अपनी मेंटल पावर को इतना ज़्यादा ध्यान रखना है। तो एक बार इस पर सर्च कीजिएगा, ऑटोमेटिक उसको थोड़ा आपको जो है 50% ऐसे ही जो है आपको दिमाग में चढ़ जाएगा। तो प्लीज़ सर्च कीजिएगा इसके बारे में, जानिएगा इसके बारे में, क्योंकि ये पेंटिंगों के बारे में जानेंगे तभी आप जिज्ञासु बन पाएंगे सही ढंग से। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे सपोर्ट देंगे, और दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर करते ही नहीं यार, और लाइक करते नहीं हो। लाइक आप करते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स और ये बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कीजिए नए स्टूडेंट हैं। और मैं बताना चाहूंगा यदि आप लोग बाहरी स्टूडेंट्स हैं, बाहरी का मतलब क्या, जहाँ भी हैं आप लोग, आप एक बुक ले लीजिए जिसका नाम है कला सिद्धांतिक। एक ऐसी बुक है जिसमें ढेर सारी जो है कलाकृतियों के बारे में, हर एक बेसिक चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। चाहे आर्टिस्ट की बात करूँ, चाहे पहाड़, मतलब जो कलाकृतियों के बारे में जो बेसिक नॉलेज है आप इससे ले सकते हैं। जो इनके आर्टिस्ट जो है, मैं इनको बताना चाहूँगा, इनके आर्टिस्ट जो है लक्ष्मी नारायण नायक जी हैं, इसके लेखक हैं खास तौर पे, और इन्हें जो है फाइन आर्ट मतलब कहना डिप्लोमा में फाइन आर्ट्स कर चुके हैं, तो उनको प्रथम श्रेणी में उन्हें स्वर्ण पदक से भी जीत चुके हैं। तो इनके जो है लक्ष्मी नारायण नायक जी की जो है बुक है, आप इन्हें जरूर ले लीजिएगा। आप इन्हें ले लेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी, और इन सारी चीज़ों के बारे में या और कोई नई ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें, और कोई नई चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं हेल्प के लिए मैं आपके लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए ताकि हम और व्यू और लाइक सब्सक्राइब कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि हम चलते हैं ताकि हम कुछ नए चीज़ों को तैयारी कर सकें। ऑल द बेस्ट।